ये बैकलेट्स हैं, आप सीलिंग पे भी लगा सकते हैं, आप कहीं वॉल हाइलाइटर पे, जैसे आपका बेड है, बेड के पीछे आप एक यहाँ पे पीस लगा लिया, एक वहाँ लगा लिया, सेंटर में फैब्रिक है, ये बीच में मेटेलिक है, ठीक है भैया, और ऊपर फैब्रिक है। अब इसकी लुक एंड फील दे रहा हूँ मैं, क्या ये चारकोल शीट है 8x4 मेड इन कोरिया, 8x4 है ये, हाँ ये लेदर का ही बेचते हैं हमारे, क्यों सस्ता बेचते हैं, हम लोग ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमाते हैं और हम स्टॉक पे खेलते हैं। कॉन्सेप्ट कहीं बनाया था, बुद्धा जी की फोटो लगी इस पे, मतलब पूरा वो उभरा हुआ मूर्ति लगी है और ये पूरा पीस लगा हुआ, बहुत खूबसूरत हैंगिंग्स हैं। ओके, ये एक बॉक्स के अंदर 6 पीस आते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप इसको अप डाउन करके लगाइए, इसमें 3 कलर आते हैं, रोज गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्डन। तो हेलो सर, हेलो सर, हमारे व्यूअर्स को अपना नाम और अपने फर्म का नाम बता दीजिए सर। मेरी फर्म का नाम है गोपाल सिंह एंड सन्स और मेरा नाम है करणप्रीत सिंह। ठीक है सर, एड्रेस क्या रहने वाला है सर यहाँ का? हमारी 2 शॉप्स हैं, एक है मेन रोड पे 9018 देश बंधु गुप्ता रोड पहाड़गंज, ठीक है सर, और ये है गली नंबर 1 चूना मंडी 7/3। सर कौन कौन से प्रोडक्ट पे हम डील करते हैं? हमारे पास एक्सटीरियर लूअर्स, WPC लूअर्स, चारकोल लूअर्स, फैब्रिक पैनल्स, बैकलिट आइटम्स, चारकोल शीट्स बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे, काफ़ी अच्छे रीजनेबल रेट पे, मार्बल शीट्स, ये सब कुछ है हमारे पास। सर ये होलसेल रिटेल दोनों में डील होता है? सर हम लोग कर ही होलसेल रहे हैं। ओके, और रिटेल के लिए कोई आता है तो व्यूअर? सर हमारे रेट सेम है, चाहे होलसेल हो चाहे रिटेल हो, रेट सर सेम। ओके, यानी रिटेल और होलसेल के दोनों के रेट सेम होने वाले? एक रेट की दुकानदारी है सर, 2 रेट की दुकानदारी नहीं है। ओके, तो सर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आपने पिछली बार स्टार्ट जहाँ से किया था वहीं से करेंगे, फ्रंट से। मैं फैब्रिक पैनल दिखा रहा हूँ जी, जो कि आजकल बहुत डिमांड में चल गया है, मैंने पहले भी दिखाया था बट अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा पिकअप हो गई है। ठीक है भैया, ये सब कस्टमाइज कर लेते हैं हम, सारा कुछ है इसके साथ, फ्लैट स्ट्रिप्स लगा के ये लगा के वॉल तैयार हो जाती है, बहुत सुंदर लगता है ये। क्या साइज का रहने वाला है? 8 feet by 2 feet। और प्राइस की बात कर ली जाए तो? प्राइस हमारे पास बेसिक जो 8x2 का है वो स्टार्ट हो जाता है 2650 से 3250 बेसिक कलर्स। ओके, और उसके बाद इसमें आ जाता है स्पार्कल सीरीज और टेक्सचर सीरीज, वो 1000+ होता जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ये हमारी टाइल्स, हमने लास्ट टाइम भी दिखाई थी, इसकी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है। बिल्कुल, ये बैकलेट्स हैं, आप सीलिंग पे भी लगा सकते हैं, आप कहीं वॉल हाइलाइटर पे, जैसे आपका बेड है, बेड के पीछे आप एक यहाँ पे पीस लगा लिया, एक वहाँ लगा लिया, सेंटर में आपने लूअर्स लगा लिए, तो इस तरीके से 2 लाइट पासिंग हो जाती है, निश निश जैसे बनती है ना वैसा बन जाता है। ठीक है भैया, इसका साइज क्या रहने वाला है? ये 2x2 की टाइल्स हैं। और प्राइस की बात कर ली जाए तो? ये टाइल्स हमारी मोटा मोटी सर 1450 से स्टार्टिंग है। और ये जो पैटर्न लगे हुए हैं इसके अलावा भी और भी मिल जाएंगे डिजाइन? सर ये 4 पैटर्न्स यहाँ लगे हुए हैं। ओके, और 8 पैटर्न्स और हैं जो फोटोज है हमारे पास, मतलब बाकी ये सब कस्टमाइजेबल है, इनके ये बेस कलर्स चेंज हो सकते हैं। अगर आप बोलो मुझे, आप बोलो मुझे ये वाला डिजाइन इस कलर में बनाना है, रस्ट में, मैं रस्ट में बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अगर यही वाली टाइल्स आपको कहो मेरे को भी 8 feet by 2 feet में बनानी है तो मैं वो भी बना सकता हूँ। ठीक है, 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। ये भी बैकलाइट है। ओके, क्या कहते हैं भैया इसे? ये बैकलाइट सीट कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये ज्यादातर की बार काउंटर्स पे, रिसेप्शंस पे और बैंक्वेट्स में बहुत कामयाब चीज है, मतलब बहुत ज्यादा लग रही है, यूज हो रही है। ये अपना मोल्ड है सर। साइज क्या रहेगा भैया? 8 feet by 2 feet। 8 feet by 2 feet, ये बहुत रीजनेबल में है, ये आप जितनी मर्जी शीट बनवाना चाहो मैं बना सकता हूँ। ये 4800 की शीट बन जाएगी। ओके, बाकी सारी एक्सपेंसिव होती हैं, ये रीजनेबल है। ये हमारे WPC लूअर्स हैं। बिल्कुल, ये सारे शेड्स हमारे पास रेडीली अवेलेबल हैं, कभी कोई कमी नहीं होती है। ये 6.5 feet लंबा, 6 inches चौड़ा होता है। मोटाई भैया इसकी 25 mm। 25 mm, हाँ जी। ठीक है भैया, प्राइस की बात कर ली जाए तो? प्राइस भैया हमारे पास स्टार्ट है 400 rupees से। 400, ठीक है भैया। इसके अंदर एक आउटडोर में भी लगा सकते हैं? नहीं, ये इंडोर के लिए आइटम है, ये 400 से स्टार्ट है। इसमें हमारे पास एक 380 वाली आइटम भी आती है। ओके। और इसमें एक हैवी आइटम हम बनवा रहे हैं, क्योंकि कई लोग बोलने लग गए हैं कि सर हमें हैवी भी चाहिए, हमारे को बेड के पीछे भी लगाना होता है, कहीं टूटे ना फूटे ना, तो उसके लिए एक नई चीज डेवलप हो रही है, 1 या 2 दिन में आ जाएगी। उसकी रेंज ज्यादा फर्क नहीं होगा, 31 rupees ऊपर नीचे होगा। ठीक है भैया, फिर सर ये हमारा बैकलेट ही है। ओके, जैसे मैंने पिछली बार बताया था ऑनिक्स, बिल्कुल ऑनिक्स जैसे होता है। अब एक ये नया कंसेप्ट लाए हैं, ये फैब्रिक है, ये बीच में मेटेलिक है, ठीक है भैया, और ऊपर फैब्रिक है। अब इसकी लुक एंड फील दे रहा हूँ मैं, कि अगर आप इसके साथ स्ट्रिप्स लगा लेते हैं, ओके, ये गोल्ड स्ट्रिप लगा लो तो क्या लुक आएगी, आप प्रोफाइल लाइट लगाओ तो क्या लुक आएगी, दोनों आपने दोनों मैंने लगा के यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझा दिया। बिल्कुल, अब ये सर 8 feet by 1 feet के लूअर्स हैं। ठीक है, ये सब रेडी स्टॉक होता है।
सारा आइटम्स रेडिली अवेलेबल है। इनकी फिनिश बहुत अच्छी है, मतलब बहुत स्मूथ फिनिश है, सारा मेड इन कोरिया आइटम है। मटेरियल किस चीज का? चारकोल है सर, चारकोल शीट्स। पीवीसी में मैं डील नहीं करता सर। अच्छा, पीवीसी पैनल नहीं, वो कस्टमर दोबारा बुलाना ना, एक बार माल देके थोड़ा ना भगाना है। बिल्कुल। इसका लाइफ टाइम क्या रहेगा? इसका ये सालों साल कुछ नहीं होगा इसको। ओके। ये पीवीसी पैनल का जैसे होता है कि लगते ही टूट गया या हो गया, चाहे 5G हो, चाहे मोटे से मोटा माल हो, चाहे हैवी से हैवी हो, प्रॉब्लम आएगी आएगी, उसका सोल्यूशन परमानेंट है ये। ओके। फिर ये सर हमारी सारी चारकोल की वैरायटी आ जाती है, ये सारे चारकोल लूअर्स हैं। ओके। इसमें 8 फुट लंबे 5 इंच से लेके हमारे पास 8 फुट 8 इंच तक है। ठीक है। ये बहुत खूबसूरत डिजाइन्स है लेदर के अंदर। बिल्कुल। और मेरे पास बहुत अच्छे प्राइस पे हैं ये। ठीक है। ये भी सर सारा चारकोल है। प्राइस की बात कर ले जाते हो सर? सर चारकोल लूअर्स मेरे पास स्टार्ट है 550 रुपीज से। ओके। और जाते हैं कोई करीब करीब 1000 रुपीज तक। हाँ जी। बाकी जो एक फुट वाला उसे चारकोल लूअर एग्जैक्टली नहीं कहते, उसे चारकोल पैनल कहते हैं। ओके। ठीक है सर। ठीक है। अब ये देखिए, ये सारी आइटम्स है मेरी। अब ये मेरा सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग आइटम है। ओके। अब इसकी खासियत क्या है? इसको ये मेरा यहाँ तो माल हमारे पास होता है मेड इन इंडिया या होता है मेड इन कोरिया, चाइनीज आइटम कोई भी नहीं है। ओके। चाइनीज आइटम में प्रॉब्लम क्या होती है, आप कभी भी कहीं पे भी देखें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप इस पे टॉर्च मार के देखिएगा। ठीक है। जब आप टॉर्च मारेंगे ना तो उसमें बिनकी बिनकी सी डॉट 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 दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वो आइटम की परत उतर जाती है किसी टाइम में, थोड़े टाइम के अंदर। तो हम वो वाला काम नहीं कर रहे, मेड इन चाइना आइटम कोई भी नहीं रखेंगे हम। ठीक है। और ये भी सारा पूरा चारकोल है, ऑल स्टॉक रेडी है सर, कोई भी कहीं से उठाना वाला काम नहीं है। ये भी चारकोल लूअर्स हैं, ये पेस्टल शेड्स हैं। देखो आजकल जो जैसे कस्टमर मांगते हैं पेस्टल शेड्स चाहिए हमें। बिल्कुल। ये पेस्टल शेड्स हैं। वैसे इंस्टॉल कैसे रहेगा? ये सनबोर्ड लगाते हैं, सनबोर्ड के ऊपर फास्टैक्स के साथ चिपकाते हुए जॉइंट हो जाता है। कारीगर भी आप ही प्रोवाइड करवा दो? हाँ हाँ हाँ, वैसे तो बेसिक कारपेंटर कर सकता है, बाकी कारीगर बोलेंगे हमारे पास रेडीली अवेलेबल होते हैं कारीगर। ओके। ये भी चारकोल लूअर्स हैं। ठीक है। ये भी चारकोल लूअर्स हैं। ये कोई शोरूम में विजिट नहीं कर सकता, वो हमसे वीडियो कॉल करके हम उसको सारी आइटम्स दिखा भी देंगे ताकि एक पर्सनल टच आ जाए। ठीक है। बाकी व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे, हम सारी फोटो शेयर कर देंगे। प्रोडक्ट माल कैसे भेजोगे भैया? माल ट्रांसपोर्ट आपको तो पता ही है कि पहाड़गंज के पास सारे ट्रांसपोर्ट है, प्रॉक्सिमिटी बहुत क्लोज है सारी। बिल्कुल। तो हमारे को कुछ भी लगता है, और लोगों की तरह हम ये नहीं कहते कि आज आपने ऑर्डर दिया तो कल सुबह माल आएगा। ओके। हमारा वो वाला काम नहीं है। आपके पास माल रेडी रेडी रेडी, आप मेरे को अभी करो पेमेंट डालो, मैं शाम को डिस्पैच कर दूंगा। ओके। हाँ, अगर आप मुझे कह ही रहे हो कि मैं 6 बजे पेमेंट डाल रहा हूँ और माल डिस्पैच कर दो तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि पैकिंग भी करनी है, चीजें भी करनी है, बड़ा कुछ है। यानी इसको प्रॉपर पैकिंग करके जाए ताकि स्क्रैच ना आए, है ना? हाँ 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 हाँ, ये बॉक्स पैकिंग होती है सर। ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से सेटअप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आइटम्स हैं जो 360 डिग्रीज बेंडेबल होती हैं। ओके। इसकी अगर दो पीस लगा के हमने वॉल दिखाई हुई है कि अगर इसकी आप पूरी वॉल बनाना चाहो तो क्या लुक आएगा। ठीक है। ये वाइट के अंदर एक बहुत अच्छा फ्लूट है हमारे पास, देखिए। ठीक है सर। ये भी बहुत खूबसूरत आइटम है। इसकी मोटाई कितनी होने वाली है भैया? सर 12 mm कहते हैं, इसकी होती 10 के आसपास है, मैंने पल्ले भी उस हिसाब से बनवाए हैं। बिल्कुल। आप लास्ट टाइम आए थे तो ये डिस्प्ले नहीं था मेरे पास, मैंने अब सारा चेंज करा है। ये चारकोल शीट्स, ये चारकोल शीट है 8x4 मेड इन कोरिया। 8x4 है ये? हाँ, ये लेदर टेक्सचर फील है। ठीक है। और बहुत रीजनेबल रेट में है, मोटा मोटी आप समझिए मेरे पास 4200 से स्टार्टिंग है इसकी। ओके। जबकि 8x4 की आप कहीं भी शीट लो तो 5600 से ऊपर ही आती है। मार्केट के वीडियो बनाए हैं लेकिन उनसे आप काफी सस्ता दे रहे हो, क्यों भैया? अपने पास बस एक ही है, यही है बस, कि हम लोग सस्ता ही बेचते हैं माल। क्यों सस्ता बेचते हैं? हम लोग ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमाते हैं और हम स्टॉक पे खेलते हैं। हमारे पास स्टॉक रेडी होता है, बाकी लोग स्टॉक मंगाते हैं, दो पीस चाहिए, चार पीस चाहिए, मंगाए उस पर उतना ही कार्टेज एक्स्ट्रा पड़ता है। ओके। मेरे पास एट अ टाइम हर आइटम का प्रॉपर स्टॉक होता है, इसीलिए मेरे रेट सस्ते हैं। बिल्कुल। मेरी परचेज अच्छी है और हम 1948 से मेरी शॉप है तो उसका भी बेनिफिट, एडेड बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मेरे फादर ने यही एक चीज कमाई है और कुछ नहीं है। हम लोगों को सब कुछ सब सस्ते में मिल जाता है। ठीक है सर। ये देखिए सर, इसे क्या कहेंगे सर? सर ये भी चारकोल शीट है। चारकोल, ये चारकोल की सारी वैरायटी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके। आप ये देखो सारी चारकोल की वैरायटी है। और ये भी 8x4 होने वाला है ना? 8x4 है। ठीक है। ये देखो ये वॉलपेपर फील है, थोड़ा पुराना डिजाइन हो गया लेकिन अभी भी बहुत चलता है, बहुत डिमांड में है ये। बिल्कुल। ये देखिए सर, ये ब्रिक पैटर्न आ गया, ये लेदर स्टिचिंग पैटर्न आ गया, लेदर। ठीक है सर।
ठीक है सर। इसमें कलर और मिल जाएंगे? हाँ, इसमें ग्रे भी होता है सर। अच्छा, ग्रे भी होता है, ठीक है। ये एक 3D वॉल है, अगर आप इसको डायरेक्ट फोकस करके देखोगे ना तो आपको आंखों में लगेगा कुछ गोल गोल घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये हाईलाइटर बहुत अच्छा लगता है, ज्यादातर की मंदिरों में बहुत लोग लगाते हैं। अच्छा, ये एक हमारी आइटम है सर, ये डिको पेंट का आइटम है, सारा हैंडमेड आइटम है सारी। ओके। ये CNC करके सारा आइटम तैयार किया हुआ है। फिर एक अभी हॉट सेलिंग आ गई जो आजकल बैंक्वेट्स वालों के लिए हमारे बहुत बहुत डिमांड में है, बैंक्वेट्स वालों, क्योंकि इसमें चमक है ना। अब यहाँ मैंने इसकी ऊपर स्ट्रिप की पन्नी नहीं उतारी हुई है। ओके। ये देखो आप, ये इसकी शाइन ऐसी है। हाँ हाँ हाँ, इसकी ऐसी शाइन है, इसका कॉपर कलर आता है। ओके। इसके साथ बहुत अच्छे हम लोगों ने कंसेप्ट तैयार करे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, वो भी मैं आपको वैसे वीडियोस दिखा सकता हूँ, लेकिन आप व्यूअर्स को कैसे दिखाओगे? तो वो तो जब हम लोगों को व्हाट्सएप करेंगे तो हम उनको शेयर कर देंगे वो वीडियोस जो वॉल्स क्रिएट हुई हैं। सर, ये एक्सटीरियर स्टोन्स है, स्टोन विनियर कहते हैं, सही, एक्सटीरियर में भी यूज हो सकता है। ये रियल पत्थर है सर। ओके, ये लग भी रहा है। हाँ हाँ, ये देखो ना सर, ये रियल पत्थर है, बिल्कुल मार्बल के जैसा लग भी रहा है। हाँ हाँ, पूरा पत्थर है ये। ये बुक मैच में भी बन जाता है, ये ऐसे और ऐसे बुक मैच बन जाती है। ओके। उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। बाकी आइटम रोलेबल है, बेंडेबल है, एक्सटीरियर में यूज कर सकते हो आप। ये डैमेज तो नहीं होंगे ना भैया? मतलब ही नहीं सर, मतलब ही नहीं। ठीक है। ये भी चारकोल शीट्स है 8x4 में, ठीक है। अब ये देखो आप, ये बैंक्वेट्स वाले लगाते हैं, इसके ऊपर लाइट फोकस आए तो कैसी फील आती है इसकी, ठीक है जी। ये देखिए, ये भी सारा एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, इसके ऊपर अब हम लोगों ने एक कंसेप्ट कहीं बनाया था, बुद्धा जी की फोटो लगी इस पर, मतलब okay. पूरा वो उभरा हुआ मूर्ति लगी है और ये पूरा पीस लगा हुआ, बहुत खूबसूरत लगता है ये। अच्छा, वो कस्टमाइज होता है? कस्टमाइज, वो मूर्ति लेके कस्टमर ने लगाया, हमने तो ये शीट लगा के दी। ओके। हम इंटीरियर्स भी करते हैं, बिल्कुल। ये शीट्स देखिए सर, ये भी चारकोल है, मैं आपको सारी वैरायटी चारकोल की दिखा रहा हूँ। ओके, ठीक है। ये देखिए, ये भी चारकोल है। अच्छा, ये आजकल सबसे ज्यादा चलने वाली आइटम है, ठीक है। ये वाली और ये वाली होम इंटीरियर्स के लिए आप देखिए, ये टीवी कैबिनेट्स पे लोग CNC कराते हैं HDMR के ऊपर फिर बनाते हैं, और ऐसी पॉलिश करा ही नहीं सकते हो आप, ये चारकोल में बना बनाया डिजाइन आ गया, ठीक है, बहुत चलने वाली आइटम है। ये सतवारियों में एक चारकोल है, ठीक है। ये सारी आइटम बहुत 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 हॉट सेलिंग आइटम्स हैं। अभी 8x2 की चारकोल स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ओके। 8x2 की चारकोल के अंदर ही सारे हाइलाइटर्स ही हाइलाइटर्स हैं, दे ऑल हाइलाइटर्स। तो इसी तरीके से अब मैं बहुत थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि बहुत आइटम्स है दिखाने वाली। ये सारा चारकोल है, ठीक है। फिर अब हमारे पास ना बैंक्वेट रेंज आ जाती है, ठीक है। बैंक्वेट रेंज में क्या होता है, जैसे बैंक्वेट्स में उनको हाइलाइटर्स चाहिए गोल्ड के, बिल्कुल। इसके साथ SS स्टील के लूअर्स लग जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये 8x2 है, प्राइस की बात करी जाए ये 2400-2500 रुपए के अंदर आइटम बन जाती है, कुछ भी नहीं है, बट वेरी रीजनेबल आइटम, और आप अपने हाथ से डबल टेप लगा के इसको लगा सकते हैं। ओके। इसके अंदर ये चीजें भी आ जाती हैं, ये सबसे हॉट सेलिंग आइटम है इस टाइम पे। ओके। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ये रोलेबल है, अगर आपकी कोई आर्च है आर्च में लगाना तो भी यूजेबल है ये, ठीक है। उसी तरीके से एक ये भी बैंक्वेट की आइटम है, जो लास्ट टाइम आपने मुझसे पूछा था, तांबे वाली आइटम। हाँ हाँ, ये इसके अंदर गोल्डन भी बना लिया हमने। अच्छा, गोल्डन भी आ गया। हाँ हाँ हाँ। ये 8x1 फुट के लुअर ही हैं सर। ओके। ये ज्वाइन करके दिखाने के लिए है कि क्या फील आती है, ठीक है। ठीक है जी। उसी तरीके से इसी के अंदर एक कलर हमारे पास ये भी है, ठीक है। इसका भी दो ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगता है। ये फैब्रिक मेटालिक आइटम्स है। ओके। ये मेटालिक है, ये भी मेटालिक है, ये जो हमने फ्रंट में आपको चीज दिखाई थी उसी का कलर है ये, ठीक है। ये सारा मेटालिक पेपर जो होता है ना, कपड़े पेपर स्पार्कल्स लगे होते हैं। इसमें कलर मिल जाएंगे फिर? ऑल कलर्स कस्टमाइजेबल हैं। ओके। मतलब ये 1-2 दिन के अंदर एवरीथिंग इज लाइक सब रेडी हो जाएगा। ये भी लाइट पासिंग आइटम है, बिल्कुल। ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। ये 8 इंची के लूअर कोने में लगते हैं सर? नहीं नहीं, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। मैं अभी आपको इसका एक जगह और दिखाऊंगा। ये जो आपको WBC लूअर्स हमने पीछे दिखाए थे, उसके 8 इंची वाले लूअर्स हैं ये, ठीक है। जगह थोड़ी शॉर्ट है मेरे पास, इसलिए हर चीज लगा नहीं सकता, इसलिए एक एक आइटम लगाई हुई है ताकि एक आइडिया पता चल जाए आपको, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि लाइट पासिंग में ही लग सकती है, तो लाइट पासिंग की जगह हम लोगों ने कहाँ लगाया हुआ देखो। अब ये वॉल पे लगी हुई इसकी लुक देखो आप, ये हमने वॉल पे प्लेस किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये एज इट इज ही बहुत अच्छा लगता है, टेबल टॉप्स पे भी बहुत कमाल लगता है, और इसके पीछे लाइट लगा दो तो और बेहतरीन, बहुत अच्छी है। ये लाइट लगा हुआ वाला दिखाओ आप, ये देखो, बिल्कुल ये लाइट लगा हुआ वाला, ये रहा ऑनिक्स, ठीक
ठीक है सर। ये लाइट लगा हुआ है या बिना लाइट लगा हुआ? दोनों ही बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। ये वॉल ऑफ द वीक है। ओके, ये हमारे ओनर ने कह रखा है कि हर वीक में चेंज करना है, एक नया कॉन्सेप्ट बनाना है। इससे ना लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि वॉल का कॉन्सेप्ट क्या आएगा। Okay, मैं सिर्फ सैंपल सैंपल में दिखाता रहूंगा, आपको समझ थोड़ा आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए इन लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि एवरी 7 डेज आइटम चेंज करनी है। जैसे कि आपने लिख भी रखा हुआ। हाँ, वॉल ऑफ द वीक लिख रखा है हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने कंसेप्ट बना के दिखाया हुआ है कि अगर ये शीट लगती है, ये कपड़े की आइटम है, इसके साथ अगर हम सिर्फ स्ट्रिप लगाते हैं तो क्या लुक आती है, लूअर लगाते हैं तो क्या लुक आती है, तीनों चीजें इकट्ठी लगाते हैं स्ट्रिप लूअर और पतली स्ट्रिप तो क्या लुक आती है, यानी कस्टमर को पूरा आइडिया मिल जाए। फुल आइडिया, फुल आइडिया हमने देना ही। पीछे देख रहा हूँ आपके, ये पिछली बार मैंने नहीं देखा, इसको कहते क्या है? ये वॉल हैंगिंग्स हैं। ओके, ये एक बॉक्स के अंदर 6 पीस आते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको अप डाउन करके लगाइए, इसमें 3 कलर आते हैं, रोज गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्डन। आता बॉक्स के अंदर 6 के 6 पीस अलग अलग कलर के हैं, मतलब अलग अलग क्या होता है, 2 रोज गोल्ड होते हैं, 2 सिल्वर होते हैं, 2 गोल्ड होते हैं। ओके, यानी एक वॉल के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आप इसको एक तरीके से देखा जाए, आप 5 फुट की वॉल बड़े प्यार से कवर कर सकते हो सिर्फ इसको डिजाइन लगाकर, और काफी बेहतरीन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने इसके नीचे जैसे यूवी मार्बल लगा ली, ठीक है, तो उसके ऊपर आप लगा सकते हो। जैसे मैंने तो एक्रेलिक लैमिनेट के ऊपर लगा रखा है, मेरे बैक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा आइडिया दे दीजिए प्राइस का इसका। सर इसके अंदर हम लोग 2 डेंसिटी के अंदर माल बना रहे हैं। डेंसिटी इन द सेंस क्या होता है, इसके अंदर ना जो एक्रेलिक लगी हुई है, ठीक है, वो एक लो क्वालिटी आती है, हाई क्वालिटी आती है। लो क्वालिटी के साथ अगर लगाते हैं तो मोटा मोटी आप समझिए 5100 की आइटम आ जाती है। ओके, लेकिन एज मेरा मोटिव यही है कि मेरे को अच्छी चीज बेचनी है, क्योंकि मेरे को कस्टमर रिपीट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये आइटम जो है वो है 5800 रुपीज लास्ट रेट, ये होलसेल में। पहले हम लोगों को आ रहा था 6000 रुपीज में, हम बेच रहे थे 6000 का, लेकिन अब हम लोगों ने 5800 इसका प्राइस कर दिया। ओके, ठीक है जी। सर ये मेरे को फिर से बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स फिर से जानना चाहेंगे। अच्छा ये आइटम, ये तो बहुत अच्छी आइटम है सर, ये तो कहते क्या, पहले तो ये बताइए सर। सर ये इसका नाम तो हमें भी नहीं आते समझ आया कि क्या कहेंगे इसको। बेसिकली ये हैंडवर्क का आइटम है सर, ये काफी बेहतरीन लगता है। हाँ, ये ब्रिक फॉर्म में पॉलिश किया हुआ आइटम है, रेडी टू यूज आइटम होती है ये। बिल्कुल। ये जैसे आप कहीं पे भी गए, आप ये देखो छोटे छोटे नेल्स लगा के हम लोगों ने ठोक दिया, हमने 2 पार्ट में काट दिया, 8x4 की शीट होती है ये। ठीक है सर। तो ये पॉलिश करी कराई हाथ का काम है सारा। ओके, ये भी 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं अगर हमारे पास क्वांटिटी हो तो। अगर एक आध 2 पीस चाहिए होते हैं, 2-4-5 पीस तक भी चाहिए होते हैं तो रेडी होता है। एक्सपेंसिव आइटम है, कितनी आइटम स्टॉक कर सकता है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या आइटम है? आजकल ये बहुत चल रहा है सर, ये मोल्डिंग आइटम्स हैं। ये है। फ्रेंच मोल्डिंग, जैसे मार्केट में वेन्सकोट के नाम से बिक्री है, फ्रेंच मोल्डिंग है ये। व्यूअर्स कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं सर? ये दीवार पे, जैसे पहले पीओपी की मोल्डिंग लगती थी, उसको बहुत टाइम लग जाता था और उसकी टूट फूट भी हो जाती थी, अगर कोना लग गया तो वो झड़ गया। ये उसका सब्स्टिट्यूट निकल आया, और ये पेंटेबल है, आप किसी पेंट भी कर सकते हैं, किसी भी कलर, व्हाइट है इसमें, आते कलर्स हैं। कई लोग इस पे प्रीमियम चार्ज करते हैं गोल्डन और रोज गोल्ड कराकर, बट हम लोग व्हाइट दे रहे हैं बहुत अच्छे प्राइस पे, रीजनेबल। ठीक है। और इसके ऊपर आप पेंट करा सकते हैं। ओके सर, एक आपका मैंने लास्ट टाइम आया था तो मैंने देखा था आप अपने बेटे के नाम पे एक प्रोडक्ट था, पीवीसी पैनल। नहीं नहीं, पीवीसी पैनल नहीं, यूवी मार्बल। ओह सॉरी सॉरी सर, यूवी मार्बल। वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। हाँ 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 सर, वो तो मेरे बेटे के नाम पे है, वो तो ब्रांड है। वो तो ब्रांड है, उसको चलेगा ही चलेगा काम। अभी धीरे धीरे उसी ब्रांड को आगे लेगेसी लेके जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, ये इस चीज की हम बात कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम में मैंने ये कवर करा था, ये मेरी इंपोर्ट आइटम है। अच्छा इंपोर्ट। हाँ, इंपोर्ट नाम पे। हाँ हाँ, इंपोर्ट की आइटम की ग्लॉस इंडियन माल से बहुत बेटर होती है। ओके। और हम लोगों ने इसका प्राइस बहुत रीजनेबल कर दिया, 1350 रुपीज से हमने स्टार्टिंग कर दी है, और हमारा मैक्सिमम जो रेंज आती है वो 1475 है। अरे वालो धमाका। ये तो जिस ये बार्गेन रेट है। ओके ठीक है सर, ये सारा रेडी स्टॉक है हमारे पास अभी भी। सर एक जैसे कि मैं ये आइटम देख रहा हूँ, ये लाइट पासिंग आइटम है, आपको पिछली बार भी दिखाई थी। बिल्कुल। ये बैंक्वेट्स में या जो आजकल गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं जिनमें थीम्स होती हैं। ओके। जैसे अभी मेरे हम लोगों ने एक होटल किया है, उसकी थीम थी जयपुरी स्टाइल। ओके। तो उन्होंने ये सारा किया था, ये ऊपर ना पूरा फैब्रिक टच फील है। ओके। और अंदर से लाइट पासिंग है। इसमें पैटर्न और मिल जाएंगे सर? इसके अंदर कलर अंदर बेस कस्टमाइजेबल है, बाकी तो वाइब्रेंट ही है, क्योंकि वो थोड़ा सा वाइब्रेंट मांगते हैं रेस्टोरेंट्स और होटल वाले। ठीक है सर। तो ये बहुत चलने वाली आइटम चल भी रही है, हम लोग तो बहुत सेल कर रहे हैं इसको। ओके। बहुत सेल कर रहे हैं सर। हमारे जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहोगे? मैं एक और आइटम बताना चाहूंगा, स्टेनलेस स्टील के लूअर्स हमारे पास रेडी स्टॉक होता है। ठीक है। टी प्रोफाइल, यू प्रोफाइल, फ्लैट स्ट्रिप्स, एवरीथिंग रेडी स्टॉक। ओके। और अब हम लोगों ने ब्लैक वाला एसएस का स्टॉक भी कर लिया है। ब्लैक लोअर एसएस हमने यहाँ लगा रखा है,
Okay. ये तीन बार कोटिंग पे आती है आइटम, इसकी तीन कोटिंग्स हैं, मतलब पहले इस पे वाइट पन्नी होती है, फिर अंदर एक इसकी छोटी पन्नी होती है ताकि इसमें स्क्रैचेस ना पड़े। और अब इनके लिए जो एडहेसिव होती है वो भी हमारे पास रेडी स्टॉक होता है, ठीक है, एडहेसिव भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। इनके पीछे बेस लगने के लिए जो सनबोर्ड चाहिए वो भी हम देते हैं। ओके, बाकी जैसे कोई व्यूअर्स आता है उसको आइडिया नहीं है कि मैं अपना घर, अपना होम, अपना दुकान, अपना बिजनेस कैसे इंटीरियर कराऊं, हाँ, तो कुछ आइडिया देंगे अपने? हाँ हाँ हाँ, उनको मैं सारी वीडियोस के साथ एक चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये वॉल ऑफ द वीक का कंसेप्ट ही तो यही है। बिल्कुल। और क्या कंसेप्ट है, जैसे अभी हमने फैब्रिक के साथ बना रखा है, हमारे पास फोटो तो है ही है इसकी। बिल्कुल। अब नेक्स्ट वीक अब जब चेंज करेंगे, ओके, तो इसके अंदर फैब्रिक की जगह हम स्टोन वीनर लगा के देखेंगे। यानी वेवर्स कोई आता है तो उसको हाथों हाथ उसके वॉल पे आप जैसे, हाँ, टच एंड फील में हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब वो टच करके फील करके चीज समझ आ जाएगा। हम लोगों ने ये वाला आइटम लाभी सैटरडे को आज सुबह, बिल्कुल, सुबह लगाई है और सुबह से अभी तक हम इसकी बुकिंग कर चुके हैं वॉल। अब ये नेक्स्ट सैटरडे हटेगा? अब ये नेक्स्ट सैटरडे हटेगा। अरे वाह, ठीक है सर। अब ये नेक्स्ट सैटरडे हम इसको हटाएंगे। मेरा नाम अरुण है। ओके। मैं यहाँ एज ए मैनेजर हूँ। Okay. और ये सारे बॉस के आने से पहले सारा का सारा आइटम मैं ही देखता हूँ। ओके, यानी जिस दिन सर ना रहे तो आप? हाँ, जिस दिन सर नहीं होते उस दिन मैं यहीं पे रहता हूँ। ओके ओके, जी ठीक है सर। सारा यही देखता है? ओके, सारा नहीं, बॉस भी आते हैं तो वो भी देखते हैं। चलो ठीक है सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नहीं 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 सर, आप आए हो कवरेज करने, कीमती समय आपका है।